चाइनीज सामान का उपयोग करने से उनकी स्थिति होती है मजबूत। भारतवासियों को किया आह्वान कि चाइनीज सामान न खरीदे, जिसको लेकर युवा बोलेगा मंच के सदस्यों ने वरोंडा शहर में चाइनीज सामान को आग के हवाले कर चाइना के खिलाफ रोष व्यक्त कर प्रदर्शन किया है। चाइना के सामान युवा बोलेगा मंच के सदस्य मंडी मणिराम के निकट एकत्रित हुए। वह चाइना में बने सामान को हाथों में उठाकर चाइना के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा बोलेगा मंच के अध्यक्ष जेपी शेखपुरा ने किया। प्रदर्शन करते हुए संगठन के सदस्य तकिया बाजार तक गए और वहां पर चाइनीज सामान को आग लगाकर रोष जताया। जेपी शेखपुरा व शेरू ने कहा कि एक ओर तो चाइना हमारी मातृभूमि पर कब्जा करने की कोशिश में है और दूसरी ओर हमारे देशवासी चाइनीज सामान की खरीद कर उसे आर्थिक मजबूती दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। यह हमारे देश के सामान का मुद्दा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे चाइना में बने सामान का बहिष्कार कर हमारे देश के सैनिकों का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि चाइना को समझना चाहिए। आजाद टीवी न्यूज के लिए गोरंडा से सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट। आज बाजार में दुकानदारों को जगाते हुए चाइना सामान इकट्ठा किया और उसमें आग लगाई और ये संदेश दिया कि जो गद्दार देश नीचे ही नीचे हमारे देश के फौजियों को मतलब मार रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, उनको सबक सिखाने के लिए दुकानदार भाइयों को जगा रहे हैं और सरकार से भी कह रहे हैं आयात निर्यात सब कुछ बंद कर दें और चाइना सामान हमारे गोरंडा में के हल्के में हम पूरा प्रचार करेंगे, ये नहीं चलने देंगे, इसकी होड़ी जला दी है, यही हमारा संदेश है। महिलाओं को कहा है कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सामान घर का महिलाएं ही खरीदती है। अगर महिलाएं जागरूक हो जाए तो कोई भी चाइना का सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि पुरुष खरीदारी कम करते हैं, महिलाएं ज्यादा करती हैं और हम चाइना को आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं होने देंगे।